आज ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी तथा विवेकानंद प्रबोधिनी जो बोरीवली मुंबई में है उनके सौजन्य से जो व्याख्यान माला चलाई है चलाई जाती है अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ता है उस व्याख्यान माला में मुझे भाग लेने का अवसर मिला मैं आपको अपने आप को सौभाग्यशील मानता हूँ कितने महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोलना मेरे शरीर के सैन्य अधिकारी के लिए कहाँ तक उचित होगा ये मुझे मालूम नहीं है पर जब मैं विद्यार्थी था आज भी मैं विद्यार्थी हूँ इस उम्र में आज भी मैं विद्यार्थी हूँ मैं अपने जीवन की तीसरी पीएचडी कर रहा हूँ तीसरी पीएचडी, और इसके लिए मुझे स्वामी जी के विचारधाराओं का अभ्यास करना पड़ता है आज भी मैं करता हूँ वो तीसरी मेरी पीएचडी चल रही है अभी वहाँ पर और उसका जो विषय है वो है इक्कीसवीं सदी में का मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड द रोल ऑफ मीडिया इस विषय को ध्यान में रखते हुए पुरातन काल से जो भी हमारा इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखना पड़ता है स्वामी जी ने अपने शिकागो के व्याख्यान में कहा था और उनका व्याख्यान वो जब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और उन्हें कहा था आई कैन सी इंडिया राइजिंग मैं भारत का उत्थान देख रहा हूँ ये भविष्यवाणी 125 साल पहले उन्होंने शिकागो में की थी और इक्कीसवीं सदी में उनकी उस भविष्यवाणी को सकारात्मक होते हुए हम देख रहे हैं और इसके लिए जो हमारे केंद्र काम कर रहे हैं पूरे भारत में विश्व में उनका सबसे बड़ा योगदान है वही केंद्र इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा वो है इक्कीसवीं सदी का भारत और भारत के सामने आने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संरक्षण की चुनौतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संरक्षण ये दोनों अलग अलग विषय हैं बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं कि हम संरक्षित हैं ऐसा वो समझ के चलते हैं पर वो गलत बात है आप संरक्षित होंगे परंतु आप सुरक्षित नहीं होंगे ये बात व्यक्ति के लिए लगती है और राष्ट्र के लिए भी लगती है संरक्षण और सुरक्षा में एक समानांतर जैसे रेलवे की लाइन होती हैं वो दोनों साथ साथ चलती हैं दोनों कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है लेकिन उन दोनों के माध्यम से हम अपनी दूर तक की दूरी पैक करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कहा है हमारी यू के नॉट आउटसोर्स योर नेशनल डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी आप अपना राष्ट्रीय संरक्षण संरक्षण पद्धति और राष्ट्रीय सुरक्षा किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते हैं जिन जिन राष्ट्रों ने ये गलती की है उन राष्ट्रों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और इसमें आज भी आज भी अमेरिका के राष्ट्र को बहुत भारी चीक कीमत चुकाना पड़ रही है क्योंकि उन्होंने ये समझा कि यदि हम सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित भी हैं और वही मेरे आज के उद्दोन का एक विषय होगा जब हम राष्ट्र की बात करते हैं राष्ट्र यानी क्या होता है क्या भौगोलिक सीमाओं से बना हुआ एक भूभाग उसको हम राष्ट्र बोलते हैं मान लीजिए भारत के दक्षिण में समुद्र है उसका नाम हमने हिंद सागर हिंद महासागर दिया है पूरे विश्व में एक मेव महासागर ऐसा है जिसके साथ हिंद शब्द लगा हुआ है इंडियन शब्द लगा हुआ है कोई भी ऐसा आ, समुद्र या महासागर नहीं है अमेरिका के नाम का तो समुद्र भी नहीं है चीन के नाम पर बोलते साउथ चाइना सी हिंद महासागर एक में महासागर है जिसके साथ भारत हिंद हिंदुस्तान इंडिया ये शब्द लगे हुए हैं और इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन बातों पर विचार करें दक्षिण में हिंद महासागर है उत्तर में हिमालय है समुद्री किनारा है क्या इन बातों को लेकर ही केवल राष्ट्र बनता है ये भौगोलिक सीमा होती हैं एंटार्क्टिका नाम का जो एक महासागर जिसे हम बोलते हैं क्या हम उसे राष्ट्र बोल सकते हैं या अफ़गानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं पिछले पच्चीस साल से 20 साल से क्या हम उसे राष्ट्र बोल सकते हैं जब हम राष्ट्र बोलते हैं तो उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता उस राष्ट्र की मानसिकता उस राष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति उस राष्ट्र की शिक्षा दीक्षा उस राष्ट्र की जो धरोहर है उस राष्ट्र की जो संपन्नता है इन तमाम बातों को मिलकर के जो एक समूह बनता है उसे हम राष्ट्र कहते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल सर्वाइवल of a nation then you become a nation there is a difference between nation and a country a country cannot be a nation when you say nation you require number of qualifications for that और इसलिए हम बोलते हैं कि भारत जो हमारा राष्ट्र है उसकी राष्ट्रीयता यदि खतरे में आती है तो राष्ट्र भी खतरे में आएगा राष्ट्र के ऊपर अनेक प्रकार से खतरे आते हैं मनुस्मृति में कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र पर आने वाले खतरों में चार बातें शामिल होती हैं विपत्ति, बाह्य प्रतिव्यापा एक्सटर्नल थ्रेड्स अबेटेड एक्सटर्नली बाहर से आने वाले धोखे खतरे आक्रमण जिनका जिनकी मानसिकता जो है वो राष्ट्र के बाहर से होती है दूसरा है विपत्ति अभ्यंतर प्रतिव्यापा बाहर से आने वाले खतरे जिसकी शुरुआत जिसकी जड़ें जिसको निमंत्रण देने वाले लोग हमारे भारत में ही हैं ये दूसरा वकार होता है तीसरा होता है अभ्यंतर विपत्ति बाह्य प्रतिव्यापा जो आंतरिक परिस्थितियां ख़राब होती हैं विपत्ति आती है पर उसका जो स्वरूप होता है वो बाहर बनाया जाता है जैसे कश्मीर का आतंकवाद ईशान्य भारत का अलगाववाद गुरीला युद्ध ये भारत के अंदर होते हैं लेकिन इसकी मानसिकता जो है वो राष्ट्र के बाहर से होती है और चौथा है अभ्यंतर विपत्ति, अभ्यंतर प्रतिव्यापा आंतरिक कलह आंतरिक विपत्तियां जो आती हैं उसकी जड़ें भारत में ही होती हैं राष्ट्र में ही होती हैं और इसलिए चारों विपत्तियों को ध्यान में रख करके यदि हमने अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित पाया तभी हम बोलते हैं कि राष्ट्र सुरक्षित है राष्ट्र संरक्षित है और यही बात जो है वो भारत के लिए भी लागू होती है आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि 9 ग्यारह का जो हमला अमेरिका पर हुआ था 2001 में वो आतंकवादी हमला होने तक अमेरिका में आंतरिक गृह मंत्रालय या आंतरिक सुरक्षा का मंत्रालय था ही नहीं होमलैंड सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री इन अमेरिका क्योंकि उनकी मान्यता थी कि विश्व में पूरा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिका उंगली उठा ले इसको हम बोलते हैं घमंड मगरूरी एडमेंसी अरोगेंसी ऑफ पावर दैट नोबडी कैन टच अस नोबडी कैन डू एनीथिंग टू अर्थ एंड देव फोर जो अमेरिका का जो है युद्ध है जितने भी उन्होंने किए हैं वो पूरे अमेरिका के बाहर युद्ध किए हैं अमेरिका में कभी युद्ध नहीं हुआ है एक सिविल वॉर उनकी स्वतंत्रता को बात दूसरी है लेकिन अमेरिका ने अपनी भौगोलिक स्थिति के ऊपर कभी युद्ध नहीं किया और इसलिए जब नौ ग्यारह को जो हमला हुआ है जहाँ आतंकवादी बाहर से आए थे अमेरिका के विमान अमेरिका का एयरपोर्ट अमेरिका का ईंधन अमेरिका के यात्री अमेरिका का ट्रैवल अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उनको ही ठोक दिया बाहर से केवल सोलह लोग आए तब उन्हें यह जानकर हुआ क्या आया कि संरक्षण और सुरक्षा में बहुत फर्क होता है इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि यू मे बी वेल डिफेंडेड बट यू आर नॉट सिक्योर्ड तो सुरक्षा के लिए जो आया मैंने बताया मानसिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा भौगोलिक सुरक्षा खाद्यान्न की सुरक्षा पानी की सुरक्षा मानसिक सुरक्षा जो है ये तमाम बातों को मिलकर के जब हम सुरक्षित होते हैं तब हम बोलते हैं राष्ट्र सुरक्षित है और यही विचारधारा स्वामी जी की भी थी ठीक यही विचारधारा थी मुझे सौभाग्य हुआ मेरा सौभाग्य था कि मैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पास जाकर के उनको नमस्कार किया उनका आशीर्वाद लिया मैंने उन्नीस का युद्ध के बाद और उस समय वो मुंबई में जो दादर में शिवसेना भवन है उसके पीछे की तरफ रहते थे तबीयत ठीक नहीं थी उनकी और मुझे मैंने उनको कहा मुझे केवल नमस्कार करना है बस और कुछ नहीं है सेना का एक तरुण विद्या अधिकारी जो है वो उन्नीस के युद्ध से यहाँ आया हुआ है और आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है और उनके मेरा भाग्य था कि मैं तकरीबन सवा घंटे उनके साथ बैठा वो पलंग पर थे मैं नीचे बैठा था पैर के पास और उन्होंने उस समय बताया उनके सपनों का भारत द इंडिया ऑफ माई ड्रीम और उन्हें दो तीन बातें बताई एक था कि यदि आप सामुद्रिक रूप से सक्षम हैं तभी आप संरक्षित होंगे और इसीलिए उन्होंने जो कहा था कि ने मजसी मातृभूमिला सागरा प्राण तरम उस सागर से ही उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मातृभूमि के पास ले जाइए आप हवाई जहाज से आने का प्रश्न नहीं था लैंड रूट से आने का प्रश्न नहीं था उनकी यह कल्पना थी एंड देयरफॉर ही सेड आई वॉन्ट माई इंडियन आर्म फोर्सेस टू बी द मोस्ट पावरफुल पीपुल जहां अंडमान में उनको जेल में रखा गया था वहां में जाकर आया हूं देखा है उन्होंने यातना की मुंबई में जो स्वतंत्र वीर सावरकर का जो स्मारक है उसका मैं अध्यक्ष था दादर में जो है शिवाजी पार्क में उनकी तो उन्होंने कहा द इंडिया ऑफ माय ड्रीम एंड ही सेड कि नो नेशन कैन सरवाइव रिस्पेक्टफुली इफ यू आर नॉट पावरफुल इसलिए राष्ट्रीय संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा इनमें शक्ति का होना आवश्यक होता है इसी बात को इसी बात को स्वामी जी ने भी अपने दूसरे व्याख्यानों में कहा है राष्ट्रभक्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्र शक्ति का कवच होना आवश्यक है राष्ट्रभक्ति या संरक्षण करता राष्ट्र शक्ति तो कवच असना आवश्यक हस्त यू नीड ए पावरफुल शील्ड टू प्रोटेक्ट योर नेशनल हुड नेशनलिज्म बट एट द सेम टाइम राष्ट्रशक्ति को भी राष्ट्रभक्ति का अंतकरण होना आवश्यक होता है राष्ट्र शक्ति लापन राष्ट्रभक्ति अंतकरण आवश्यक सो देर इज so, अ कोरेशन बिट्वीन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति और यही बात जो है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था भारतीय सैन्य व्यवस्था भारतीय संरक्षण व्यवस्था में लागू होती है आपने कभी नहीं सोचा सुना होगा हमारे यहाँ जितने भी हम लोग सैनिक हैं युद्ध में जब जाते हैं तो हम बोल, बोलते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मातृभूमि के संरक्षण के लिए हम अपने प्राण दे देंगे इंच इंच कट जाएंगे हम भूमि एक इंच ना देंगे कोई प्रश्न नहीं होता है कि भारत की भूमि का एक इंच भाग भी जो है वो शक्ति के कारण ले जाए उन्नीस में क्या हुआ बात दूसरी थी उन्नीस में जो क्या हुआ तो बात दूसरी थी क्योंकि उस समय हमारी जो मैं राजनीति के बारे में नहीं बोलता हूँ मैं उससे दूर रहता हूँ राजनीति और धर्म के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ सेना में मैंने काम किया है एंड वी रिमेन अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बट यू नॉट इग्नोर सर्टन फैक्ट्स आप उन वास्तविकताओं की अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं आप जिन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संरक्षण की तरफ अनदेखी की है उन्हें अपनी कीमत बहुत बुरी चुकाना पड़ती है और यही कारण है कि हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली कुछ दिनों में हमारा कश्मीर का जो भाग है वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है पी ओ के में Üst, हमारा जो क्षेत्र था लद्दाख ले का अरुणाचल प्रदेश का उसका बहुत सा भूभाग चीन के पास चला गया है क्योंकि उस समय की शासकीय मानसिकता थी नहीं पहली बात तो है कि हम पे कोई हमला नहीं करेगा और दूसरा यह है कि हमें पे कोई हमला करेगा तो हम उसके लिए सक्षम हैं जब तक आपकी राष्ट्र शक्ति नहीं होती है जब तक आपका कवच ठीक नहीं होता है तब तब आप सक्षम कैसे होंगे हाउ कैन यू बी वेल डिफेंडेड इफ योर डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉट देयर and that is what Swamiji also mentioned number of times. May not be directly, he was not a warrior. But he had the mindset of defending India. and therefore he had made a mention. I can see India rising. मैं भारत का उत्थान देख रहा हूँ. ये करते करते बात हुई, भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम पर बहुत सी विपत्तियाँ आई. उन्नीस का युद्ध उन्नीस का मैंने बताया आपको कि हमारा भूभाग आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है केवल पाकिस्तान के ही नहीं पाकिस्तान ने उस भाऊभाग का कुछ हिस्सा तकरीबन 5000 हजार स्क्वेयर किलोमीटर चीन को दे दिया और हम देखते रह गए हमने कुछ बोले ही नहीं यदि हमारी मानसिकता भी यही रहेगी तो राष्ट्र का उत्थान होगा कैसे उन्नीस में हम पर चीन ने युद्ध कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि ऐसे भूभाग का क्या फायदा है उपयोगिता क्या है जहां पर एक तो घात भी नहीं उगती है तो किसी ने उनसे संसद में पूछा मैं नाम नहीं ले लेना चाहता उन प्रधानमंत्री का या जिसने ये पूछा था कि आपके सर पर भी बाल नहीं हैं तो क्या आप सर कटवा देंगे अपना ये मानसिकता घातक होती है राष्ट्रीय सुरक्षा में देने की जो मानसिकता होती है जो हम बल के ऊपर देते हैं वो घातक होती है कभी भी आपने भारत में नहीं कहोगा कि, कि सेना ने कभी राष्ट्रहित के विरुद्ध काम किया होगा हमारा पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान एक और राष्ट्र है पूर्व में जहाँ पर हर तीन चार साल में सेना सत्ता संभाल लेती है पाकिस्तान में तो लोगों को आदत पड़ गई है सेना के शासन में काम करने की और अगर वो सेना शासन में भी नहीं है तो रिमोट कंट्रोल उनके पास होता है जितने भी राजनीति के होते हैं उस रिमोट से काम करते हैं जो बटन सेना दबाती है इसीलिए वो हम कहते हैं कि उस राष्ट्र कवच को राष्ट्रभक्ति का अंतकरण नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान दिनों दिन वर्षों से अधोन्नति की तरफ जा रहा है एक और भी राष्ट्र हमारे पूर्व में है वहां भी ये होता रहता है और इसका फायदा जो है हमारे शत्रु उठाते हैं ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत मूवी की हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हम भगवान ईश्वर को हम बोलते हैं भ का अर्थ क्या है भूमि व का अर्थ है वायु न का अर्थ है नीर ग का अर्थ है गगन और उसको मिलाकर के भगवान होता है पंच तत्व पंच महाभूत पंचशील ये पांच उंगलियां आदमी की जो होती हैं पांच इंद्रिया इनके ऊपर ही पूरे राष्ट्र काम करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं भारत की संरक्षण के लिए भगवान है भगवान यानी यदि आपने इन पंच तत्वों की सुरक्षा नहीं की तो आप सुरक्षित नहीं है राष्ट्र सुरक्षित नहीं है केवल सेना रखने से हवाई जहाज रखने से मिसाइल रखने से बॉम्ब रखने से राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता है राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय संरक्षण की मानसिकता बनाना पड़ती है और वो मानसिकता हमारे बच्चों में भी जाना चाहिए अ नेशन के नॉट बी सिक्योर इफ द पीपुल डोंट फील सिक्योर यह वास्तविकता हमें ध्यान में देना पड़ेगी और यही कार्यक्रम संभवतः चरित्र निर्माण करने का जो कार्यक्रम है बुद्धिमत्ता बनाने का कार्यक्रम जो है वो विवेकानंद केंद्र के माध्यम से हो रहे हैं वो कार्यक्रम अगली बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा में जैसे मैंने बताया अक्षम अकुशल अनियंत्रित असंतुलित असामाजिक तत्व जिन राष्ट्रों में होते हैं वो राष्ट्र कभी संरक्षित नहीं होता कभी सुरक्षित नहीं होता आप किसी सैनिक को कितना भी बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दीजिए उसके सर पर हेलमेट लगा दीजिए उसके हाथ में बंदूक दे दीजिए लेकिन यदि उसकी मानसिकता ही कमजोर है तो वो युद्ध क्षेत्र में काम करेगा कैसे ठीक यही बात दुर्भाग्य से दुर्भाग्य से अमेरिका को भी लागू होती है अमेरिकी सैनिक जो हैं वो युद्ध क्षेत्र में जब जाते हैं तो वो युद्ध जो क्षेत्र जो होता है अमेरिका के बाहर होता है अमेरिकन फाइट द वॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट देयर सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट इंडियन आर्म फोर्सेस इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं हम मातृभूमि के संरक्षण के लिए युद्ध करते हैं पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर मातृभूमि की कल्पना होती है उस मातृभूमि के संरक्षण के लिए हम युद्ध करते हैं तो हमारी मानसिकता भी उस प्रकार की बनती है इस वास्तविकता को ध्यान में रखना आवश्यक है अगली बात होती है कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण तथा कमजोर नेतृत्व तो जहां पर होता है उस समय उसके कारण से उस राष्ट्र का मार्ग बदल जाता है उस राष्ट्र की मानसिकता बदल जाती है भारत में भी यही मानसिकता थी एवरीथिंग विच इज़ फॉरन इज गुड फॉर इंडिया फॉरन का एजुकेशन फ़ॉरन की टेक्नोलॉजी फ़ॉरन का चरित्र फौरन के कपड़े ये मानसिकता आई कहाँ से ये मानसिकता हम पर लाद दी गई थी और आज भी हमारे बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ाई करने के लिए फॉरन जाऊँगा उसमें कोई गलती नहीं है दे नथिंग रॉन्ग इन गोइंग अब्रॉड यू मस्ट लर्न फ्रॉम एवरीबडी जस्ट दर इज नो डाउट बट एवरीथिंग फॉरन इज नॉट गुड फॉर इंडिया ये फॉरन की मानसिकता भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संरक्षण के लिए घातक होती है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हमारी शासकीय व्यवस्था जो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत स्वावलंबी भारत संवेदनशील भारत सुरक्षित भारत और प्रोग्रेसिव भारत यही कल्पना स्वामी जी की भी थी ये ध्यान में देना पड़ेगा क्योंकि शस्त्र आप बाहर से लाते हैं पर उस शस्त्र को चलाने के लिए जो प्रशिक्षण होता है वो भी आपको बाहर से लेना पड़ेगा उसकी टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेना पड़ेगी और जब आप युद्ध में जाते हैं तो जिन्होंने आपको शस्त्र दिए हैं उन्हें मालूम है कि यदि वो शस्त्र पूरे नहीं हुए तो आप फिर उनके पास आएंगे और फिर आपसे वो मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं 1971 के युद्ध में यही हुआ उन्नीस के युद्ध में यही हुआ कारगिन युद्ध के दौरान में भी यही हुआ और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमें स्वावलंबी बनने का की आवश्यकता पड़ती है तभी हम आत्मनिर्भर होते हैं और जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे आप स्वावलंबी नहीं होंगे आत्मनिर्भरता आती कहां से है आत्मनिर्भरता के मूल सिद्धांत होते हैं शैक्षणिक आत्मनिर्भरता चारित्रिक आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता कपड़ों की आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता ज्ञान की आत्मनिर्भरता और विज्ञान की आत्मनिर्भरता जब इन तमाम बातों का समावेश होता है तभी वो राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है उन्नीसवीं सदी नाइन्टीन सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ मनी पावर जिस राष्ट्र में जिस राजा के पास घोड़े थे गाड़ी थी उन्होंने उस शक्ति के आधार पर लोगों को खरीदा इट वॉज द मसल पावर नाइनटीन सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ मसल पावर गुलाम बनाया भारत की गुलाबी भी उसी समय पर हुई थी ट्वेंटी सेंचुरी जिसमें हम तमाम लोगों का जन्म हुआ है जो भी 2001 के पहले जो जन्मे हुए हैं वर ऑल बॉन इन ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ मनी पावर जिसके पास जितना पैसा होगा उस पैसे के आधार पर उस पैसे की शक्ति पर उन्होंने लोगों को खरीदा राष्ट्र को खरीद लिया राष्ट्रीयता खरीद ली राष्ट्रपति खरीद लिए प्रधानमंत्री खरीद लिए और राष्ट्रों को पूरा लेकर के मनी बात एवरीथिंग और ये हमने महसूस किया है भारत में मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं राष्ट्रों की बात कर रहा हूं बिक गए हैं लोग मैं किसी राष्ट्र का नाम नहीं लेता चाहता जानबूझकर लेकिन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इक्कीसवीं सदी जिस सदी में हम भारत की बात कर रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज पावर बुद्धिमत्ता का पावर है द मोर नॉलेजेबल यू आर द मोर पावरफुल यू विल बी बुद्धि के आधार पर बुद्धिमत्ता के आधार पर आप शक्तिशाली बनेंगे और बुद्धिमत्ता के लिए पांच इंद्रियां होती हैं जैसे मैंने आपको बताया पंच तत्व पंच महाभूत पांच महासागर पाँच सवासन पंचामृत पांच फल आदमी की उंगलियां भी पांच ही होती हैं जिसकी चार होती है हम बोलते हैं इसमें कुछ ना कुछ अवगुण है जिसकी छ होती है बोलते हैं इसमें भी कुछ अवगुण है तो ये पाँच का जो आंकड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी पूरे विश्व में यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ देखते हैं तो पांच राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है और वी कॉल देम सुपर पावर वीटो पावर

डिस्पाइट बींग स्मॉल नेशन टुडे स्ट्रगलिंग हार्ड टू रिमेन ए यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ इसके राष्ट्र के साथ में क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयता नाम की बात जो है उसके बारे में विचार नहीं किया एंड दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टूडे दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टूडे एंड दे भारत की जो बात जब हम बात करते हैं कि आई कैन सी इंडिया राइजिंग ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया जिसका स्वप्न स्वामी जी ने देखा था आई कैन सी इंडिया राष्ट्रीयता की बात होती है हमारी जो पांच इंद्रियाँ होती हैं योर एबिलिटी टू लिसन जब हम सुनते हैं किसी बात को उसको हम ध्यान में रखते हैं उसको हम आत्मसात करते हैं जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं दूसरी इंद्रिया जो है उसके आधार पर हम बोलते हैं यह अच्छा दृष्ट है या बुरा दृष्ट है यह व्यक्ति दिकता कैसे है इसकी पर्सनैलिटी कैसी है दूसरी इंद्रिया है तीसरी इंद्रिया जो होती है वो होती है नोज श्वास उसके जरिए हम पता कर लेते हैं कि व्यक्ति जीवित है या नहीं बदबू आ रही है या सुगंध आ रही है टच जो हम जीप पर हाथ लगाते हैं मुंह पर लिप पर लगाते हैं हम इससे बोलते चाय गर्म है या चाय ठंडी है और जीप जो है ये पांचवी इंद्रिया होती है जिसके बगैर हम बात नहीं कर सकते इन पांच इंद्रियों के अलावा क्या कोई व्यक्ति पूरे विश्व में आज तक ऐसा हुआ है जिसके बाद छह इंद्रिया होंगी तो जिसने इन इंद्रियों को समावेश कर लिया वो इंद्र बन जाता है और ये पूरी की पूरी पांचों इंद्रिया जो है हमारे मस्तिष्क में सिर पर तेरह इंच के दायरे में ही लिपित है और इन इंद्रियों को वश में करके अपना समर्थन तैयार करने वाला राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र होता है यही कारण है कि जब हम स्वप्न साकार करने की बात करते हैं स्वामी जी ने सक्रत जो स्वप्न देखा था आई कैन सी इंडिया राइजिंग स्वप्न वो नहीं होते हैं जो हम सोते में देखते हुए जो नींद में देखते हैं स्वप्न वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं जब तक उन स्वप्नों को साकार ना कर लें ड्रीम्स आर नॉट दोज विच वी सी वैन वी आर स्लीपिंग ड्रीम्स आर दोज विथ डोंट अलाउ अस टू स्लीपिली रियलिटी और स्वामी जी ने यही उद्देश्य हमको दिया था उनका नाम था नरेंद्र इक्कीसवीं सदी जैसा मैंने आपको बताया इंद्रियों की सदी है द मोर नॉलेजेबल यू आर द मोर पावरफुल विल बी देवेंद्र राघवेंद्र महेंद्र ज्ञानेन्द्र और नरेंद्र एक आचार्य नरेंद्र ने कल्पना की थी मेरे सपनों का भारत आई कैन सी इंडिया राइजिंग दूसरा नरेंद्र प्रयत्न कर रहा है उस स्वप्न को साकार करने का और इसलिए भारतीयों का ये अपना एक कर्तव्य बन जाता है कि इन सपनों की पूर्ति के लिए स्वामी जी का स्वा जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम तमाम लोग एक साथ काम करेंगे और यही स्वामी जी के जो केंद्र चल रहे हैं उनका भी यही होता है चरित्र निर्माण करना चरित्र निर्माण करना जो है वो एक महत्वपूर्ण बात होती है आप व्यक्ति बना सकते हैं आप मस्तिष्क बना सकते हैं तो चरित्र जो बनता है वो अंदर से बनता है उन इंद्रियों के माध्यम से बनता है और यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं सैन्य अधिकारी होने के कारण साथ साथ कि हमें भी अपने सैनिकों को बताना पड़ता है मैं जब सेना में था मैं कभी उनको बोलता नहीं था कि हम देश के लिए अपने प्राण ले लेंगे मैंने कभी नहीं बोला मेरा विश्वास ही नहीं उसमें मैं अपने सैनिकों को बोलता था देश की रक्षा के लिए यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो हम शत्रु के प्राण ले लेंगे जिस दिन आपने शत्रु को पता लग जाता है कि आप राष्ट्र शक्ति के संवर्धन के लिए राष्ट्र भक्ति के संरक्षण के लिए आप शक्ति परीक्षण कर सकते हैं उस दिन वो आपकी कीमत करना शुरू कर देता है यह वास्तविकता है और यह हमें सोचना चाहिए आए दिन हम बोलते हैं हमें क्या सिखाया जाता है किसी ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मारी आप दूसरा गाल खड़ा कर दीजिए कौन सी मानसिकता है यदि आपने दूसरे गाल पर थप्पड़ मार दी उसने तो आप तीसरा गाल लाएंगे कहां से मानसिकता होना चाहिए राष्ट्र शक्ति की होना चाहिए कि इसके पहले कि उसका हाथ उठे उसका आप हाथ तोड़ दीजिए इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे विश्व में लोगों का हाथ ही तोड़ते रहें लेकिन जहां से आपको खतरा बाह्य उपत्ति बाह्य प्रतिव्यापा यदि आपके राष्ट्र के ऊपर बाहर से खतरा आने वाला है तो उस खतरे को आप वहीं जाकर के समाप्त कर दीजिए यही मानसिकता अमेरिका की भी होती है वो इस बात के लिए ठहरते नहीं हैं कि हम पर आक्रमण होगा उसके बाद हम देखेंगे नौ ग्यारह की बात थी लेकिन उनके तमाम राष्ट्रपति ने कहा है इसराइल को आप देखिए वो ये कहते हैं कि यदि हमें शंका हुई कि हमें विश्व के फलाने फलाने कोने से हम पर विपत्ति आने वाली है हम वहीं आपको आकर के ठीक कर देंगे हमारी भारतीय मानसिकता एक दूसरे प्रकार की बना दी थी हमको किसी ने एक गाल पर थापड़ मारा आप दूसरा गाल दिखा दीजिए और इसीलिए लोग हमें मारते आए हैं इतने विदेशी हमारे ऊपर आए उन्होंने हम पर राज किया हमारी जमीनें हड़प कर ली हमारा खून चीसा हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया हमारी मानसिक परिवर्तन कर दिया हमारे राष्ट्र को बांट के चले गए वो लोग और हम देखते रहे कारवां गुबर गया बस गुबार देखते रहे हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम ईट का जवाब पत्थर से देंगे अब जितने आप पे पत्थर मांगा उसका जवाब आप कहा से देंगे फिर इस मानसिकता ने बहुत घातक हम पर जो है प्रहार किए हैं और इस मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है यह भी स्वामी जी का कहान था इसका मतलब ये नहीं है कि हम आक्रामक हों पर यदि आपके शत्रु को यह मालूम है कि आप आक्रमण का जवाब आक्रमण से देंगे वह आप पर आक्रमण नहीं करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संरक्षण का एक सिद्धांत होता है अगली जो बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था अतिथि देवो भवा अच्छी बात है हमारी संस्कृति है हम अतिथि को ईश्वर की तरह देखते हैं लेकिन पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी बाहरी देशों से आने वाले घुसपैठिए शरणार्थी जो भारत में आकर के भारत का ही नुकसान करते हैं आतंकवाद फैलाते हैं भारतीयों को तकलीफ देते हैं क्या हम ये अतिथि देवो भव की बात सोच सकते हैं और उर्दू में एक कहावत है मैं उर्दू का अभ्यास करता हूँ मैं कुरान का अभ्यास कर रहा हूँ तीस साल से केवल ये समझने के लिए कि जिहाद का अर्थ क्या होता है जिहाद हम कहते किसी है पूरे कुरान में जिहाद शब्द जो है वो इक्कीस बार आता है और जिहाद का वास्तविक अर्थ होता है बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय उस जिहाद को आज लोगों ने युद्ध में परिवर्तित कर दिया है ये वास्तविकता है और भारत में हो जाता है एक कहावत है कि आखिर कुछ तो है बात मेहमान नवाजी में हमारी हमारे अतिथि देवो भवा की जो हमारी कल्पना है उसमें कुछ तो बात है आखिर कुछ तो है बात मेहमान नवाजी में हमारी आ जाते हैं जो गम एक बार फिर पलट कर नहीं जाते जो विपत्ति जो गम जो आक्रमणकारी जो भी बुराइयाँ भारत में एक बार आ जाती हैं वो बाहर नहीं जाती कभी आतंकवादी बाहर गए हैं आदमी कश्मीर में बैठे हैं लोग उनको बैठा दिया है जो घुसपैठी आए हैं वो बाहर गए वो यहाँ के नागरिक बन गए उनको आधार कार्ड मिल गया उनको पैन कार्ड मिल गया उनको राशन कार्ड मिल गया उन्हें वोटिंग कार्ड मिल गया और वो उनकी ताकत पर आज लोग मंत्री बन रहे हैं शासन बना रहे हैं ये वास्तविकता है हमारी और इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है आसाम तरीके प्रांत में मैं जानता हूँ मैंने वहाँ काम किया है मैं लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे काम कर रहा था ईशान्य भारत में कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बांग्लादेशी मूल का व्यक्ति या बंगलादेशी बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके द्वारा समर्थित व्यक्ति वो आसाम का मुख्यमंत्री बने ये मानसिकता थी और इसीलिए शासन जो है उस पर कार्रवाई कर रहा है लोग उसका विरोध करते हैं हम तो हजारों साल से हमने गुलामी गिरी की सीखी है अलेक्जेंडर ग्रेट अकबर द ग्रेट यह आए तैमूर आए अब्दाली आए हमने शासन कब किया उन्नीस के बाद हमें शासन हम पर शासन करने का हमें अधिकार मिला है उस शासन को संभाल के रखना है यह आवश्यक है अगली बात है जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के उनका ये उनकी मा, बात मानसिकता थी एक्सपोर्ट ऑफ़ नॉलेज नॉलेज को आप निर्यात कीजिए क्योंकि यह बात जो होती है द मोर नॉलेजेबल यू आर द मोर पावरफुल यू विल बी नॉलेज हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे नॉलेज कोई मिठाई का टुकड़ा तो नहीं है जैसे पैकेट करके आपने भेज दिया नॉलेज हैज टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू नॉलेजेबल पीपल यदि आपने अच्छे शिक्षक भेजे अच्छे विद्यार्थी भेजे तो वो शिक्षक अपनी भारतीयता को ध्यान में रखते हुए जो समाज में शिक्षण करेंगे विश्व में शिक्षण करेंगे उससे भारतीय निर्माता होती है एक्सपोर्ट ऑफ नॉलेज इज अ मस्ट फॉर ए सर्वाइवल ऑफ अ नेशन इन ए डिग्निफाइड मैनर इन ट्वेंटी सेंचुरी एंड बियॉन्ड और इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है स्वदेशे पूजनते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते राजा की पूजा तो उसके राज्य में होती है परंतु विद्वान जो होता है वो पूरे विश्व में पूजा जाता है और इसीलिए आज भी स्वामी जी को लोग प्रणाम करते हैं विश्व में जहाँ जहाँ भी हो गए हैं तो अपने बच्चों को विद्वान बनाइए गुणवान बनाइए चरित्रवान बनाइए आशावान बनाइए और जब विद्वान बनेंगे तभी वो भारत को आगे ले जाएंगे और यही के कार्य जो है विवेकानंद के की संस्था जो है वो भी कर रही हैं यही काम कर रहे हैं वो विद्यार्थी यदि अच्छा होगा परंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि आज का विद्यार्थी जो है वो परीक्षार्थी बन गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है राष्ट्रीय सुरक्षा से है आपको एडमिशन के लिए 97 सेवन परसेंट नाइन्टी परसेंट आप में बुद्धिमत्ता है इसकी कोई चिंता नहीं करता है तो व्यक्ति को यदि आपने बुद्धिमान नहीं बनाया तो कर्तव्यमान भी नहीं बनेगा गुणवान भी नहीं बनेगा चरित्रवान भी नहीं बनेगा तो शिक्षा का आधार जो है वो राष्ट्रीय उन्नति होती है राष्ट्रीय संरक्षण होता है राष्ट्र की शक्ति होती है और राष्ट्र का कवच होता है यह हमें ध्यान में देना पड़ेगा अन्यथा इक्वीसवीं सदी का भारत आई कैन सी इंडिया राइजिंग जिस भारत की कल्पना स्वामी जी ने की थी उसे हम साकार कैसे करेंगे वो स्वप्न भारत स्वामी जी का साकार होगा कैसे क्या इसके बारे में हमने कभी सोचा है हमें सोचना पड़ेगा और दो बातें में, में इस जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं राष्ट्रीय सोशन की बात करते हैं मेरे सपनों का भारत की बात करते हैं हमें ध्यान में दे देना पड़ेगा कि जब तक राष्ट्र स्वावलंबी नहीं होता है तब तक राष्ट्र की कीमत नहीं होती है दुनिया में यदि आप हर एक बात के लिए दूसरों पर अवलंबित रहेंगे आप स्वावलंबी कभी नहीं होंगे आज वैज्ञानिक क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भारतीय स्वावलंबी बन रहे हैं हमारा जो इसरो है स्पेस एयरक्राफ्ट विश्व के कितने राष्ट्र हैं जो अपने भारतीय पद्धति के अनुसार सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं और उन सैटेलाइट के माध्यम से अपना काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था इसरो से जब सैटेलाइट लॉन्च हुए थे बावन कि जितने में आपने सैटेलाइट भेजे हैं ऊपर उतने में तो एक सिनेमा बनता है बॉलीवुड का वास्तविकता उन्हें बताई थी यह हुआ कैसे संभव यह बुद्धिमत्ता के कारण संभव होता है अंतरिक्ष में जो होता है और इसीलिए जो सावरकर जी ने जो कहा था कि एनी मरी हु रूल द सी विल रूल द वर्ल्ड इक्कीसवीं सदी में मेरी ऐसी मान्यता है एनी वन हु रूल द सी और ओशन एंड स्पेस अंतरिक्ष विल रूल द वर्ल्ड सी का अर्थ है केवल पानी की सतह नहीं लेकिन पानी के नीचे जो सतह है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी जितनी संपत्ति पानी के ऊपर होती है उससे ज़्यादा संपत्ति समुद्र थल पर रखी हुई है और इसका ध्यान हमारा वर्तमान शासन कर रहा है मैं शासन के बारे में किसी की बुराई नहीं करता किसी की बुराई नहीं करता हूं परंतु वास्तविकताओं को भी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा अभी पंद्रह दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र परिषद की सुरक्षा परिषद में जो व्याख्यान दिया मैरीटाइम सिक्योरिटी उस पर उनका व्याख्यान है पहली बार किसी ने ये बात कही है कि समुद्र है वो सबका है और उसमें एक सिद्धांत होता है जिसे हम बोलते हैं सेवेंटी एटी नाइन्टी सत्तर अस्सी नब्बे पूरी जो पृथ्वी है इसका सत्तर प्रतिशत भाग जो है वो पानी में है केवल तीस प्रतिशत भाग जो है वो भूमि है सेवेंटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल सी ocean. एटी पूरे विश्व की अस्सी प्रतिशत आबादी जो है वो समुद्री किनारों से 250 किलोमीटर तक के रहती है और जैसे जैसे हम समुद्री किनारों से दूर होते हैं आबादी का घनत्व तो कम होने लगता है सो ऑल द बिग नेशंस बिग पावर्स ऑल ऑल अलॉन्ग दी कोस्ट पूरे विश्व में आठ ऐसी जगह हैं जिसको हम बोलते हैं चौक पॉइंट्स स्टेट्स ऑफ मराका स्टेट्स ऑफ उर्मूज़ सुवेज कनाल सी। यदि इनको अगर बंद कर दिया जाए तो पूरे विश्व में एक ठहराव आ जाएगा और इसीलिए 80% population पॉपुलेशन इज along the sea कोस्ट सामुद्रिक सुरक्षा 70, 80, 90 पूरे विश्व का 90 प्रतिशत जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से ही होता है केवल 10 प्रतिशत व्यापार जो होता है वो दूसरे मार्गों से होता है थल मार्ग से होगा या वायु मार्ग से होता है और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था एनी वन रूल द सी विल रूल द वर्ल्ड इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वे हैव टू रूल द सी एंड वे हैव टू रूल द से स्पेस मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे मोबाइल फोन हमारा इंटरनेट हमारे टी हर एक बात जो है वो स्पेस के माध्यम से चलती है हम एक दूसरे को दिखाई देते हैं स्पेस के माध्यम से वो महाभारत का एकलव्य की बात अलग हो गई वो बात इवन दूरदर्शन जिसको हम बोलते हैं वो भी स्पेस के माध्यम से ही चलता है सो वी द स्पेस एंड से स्वदेशे पूजनते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते अंतरिक्ष में जब आपका बन जाता है और तभी जो है हम अंतरिक्ष को जो है हमें काबू नहीं करना है लेकिन उस अंतरिक्ष का उपयोग मानव जाति के भलाई के लिए करने में ही राष्ट्र का संरक्षण राष्ट्र की सुरक्षा बनती है आज ड्रोन के माध्यम से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया ड्रोन के माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कल ही अफगानिस्तान में इतना बड़ा हमला हुआ है एक राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मार डाला पिछले साल स्पेस सैटेलाइट की धारण से तो स्पेस का जब गलत इस्तेमाल होता है तो उसके दुष्परिणाम जो है वह तो पूरे विश्व को बोधना पड़ते हैं अगली जो बात होती है राष्ट्रीय संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो होती है कि यदि व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित कैसे होगा यदि व्यक्ति ही संरक्षित नहीं है तो राष्ट्र संरक्षित कैसे होगा मैंने आपको बताया कि आप किसी व्यक्ति को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दीजिए हेलमेट दे दीजिए हाथ में बंदूक दे दीजिए उसकी मानसिकता जगह नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं होगा वो हथियार डाल के भाग जाएगा अमेरिका में यही हुआ है पिछले दिन कुछ दिनों में पंद्रह दिनों के अंदर हथियार छोड़ के भाग गए उनके सैनिक भाग गए वो इतना बड़ा राष्ट्र इतना बड़ा सुपर पावर कितने शस्त्र हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ड्रोन करोड़ों रुपए का संपत्ति नोट सब छोड़ के चले गए वो क्योंकि उनमें प्रतिकारात्मक शक्ति का अभाव था अभाव है भारत को इससे सीखना चाहिए भारत को इससे सीखना चाहिए कि यदि हमें प्रतिकारात्मक शक्ति नहीं होगी तो हम कभी प्रतिकार नहीं कर पाएंगे और यदि प्रतिकार आपने नहीं किया तो आप पर आक्रमण होते रहेंगे आक्रमण का रूप बदली हो जाएगा लेकिन आक्रमण होते रहेंगे बौद्धिक आक्रमण आर्थिक आक्रमण चारित्रिक आक्रमण आध्यात्मिक मात्र धर्म परिवर्तन हो रहा है हम पर क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे लोगों की धास्ताएं है जो हैं अपने धर्म में नहीं, नहीं हो रही कम हो रही हैं और लोग फिर उसको बोलते हैं जायज है आप पैसा देते हैं पैसा देकर के आप धर्म परिवर्तन कराते हैं लोगों से आप गलत प्रचार करते हैं इस बात पे और मेरी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो शिक्षा हमें स्वामी विवेकानंद केंद्रों में जो मिलती है उसमें इस बात का भी बात होती है कि अपना चरित्र जो है उसको आप निर्माण में रखें प्रतिकारात्मक शक्ति रखें अगली जो बात होती है गरीबी गरीबी मानसिकता से होती है यदि हमने ये बात सोची ली कि हम आधा पेट खा करके भूखे मर जाएंगे तो फिर आपको आधा पेट भी नहीं मिलेगा ये बात आप ध्यान में रखिए हम भूखे सो जाएंगे यदि आपने भूखे सो जाने की बात सोची तो फिर आपको भूखे ही सोना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का छीन के खा लें लेकिन आपको उपजाऊ करना पड़ेगा और इसलिए पांच शक्तियां पंच तत्व पंच महाभूत जिनकी हम कल्पना करते हैं ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगी पृथ्वी को हम बोलते हैं भारत माता मातृभूमि पूरे विश्व का जो अनाज होता है वो पृथ्वी से ही निकलता है कोई आई पृथ्वी का कितना भी बड़ा राष्ट्र हो सुपर पावर हो सुपीरियर पावर हो क्या कोई ऐसा राष्ट्र है जहां पर गेहूं चावल आकाश से गिरता है उपजाऊ जो बात होती है द पावर टू ग्रो इज ओनली इन द अर्थ एंड दैट्स वाई इन इंडिया कॉल इट मातृभूमि पृथ्वी नारी का एक रूप उस पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली अन्नपूर्णा खाद्यान्न उसको हम बोलते हैं अन्नपूर्णा नारी का दूसरा रूप उस अन्नपूर्णा को लेने के लिए खरीदने के लिए आपको पैसा लगता है लक्ष्मी लगती है नारी का तीसरा रूप लक्ष्मी उस लक्ष्मी को अर्जन करने के लिए आपको बुद्धिमत्ता लगती है नॉलेज पावर लगता है उसको हम बोलते हैं सरस्वती नारी का चौथा रूप और यदि लक्ष्मी के आवेश में आकर के लक्ष्मी के गवन में आकर के आपने सरस्वती की अवहेलना की बुद्धिमत्ता की अवहेलना की तो आपको दंड देने की लगती है महिषासुर मर्दनी देवी नवरात्रि में आती हैं क्या इन पंच शक्तियों के अलावा कोई छठवीं शक्ति है क्या विश्व में कहीं पर है और इसीलिए हमारे यहाँ एक बात होती है रम्यंतु तत्र देवता यत्र पूजन नारी जिस धर्म विशेष में जिस समाज में जिस संस्थान में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और ये पृथ्वी लक्ष्मी सरस्वती ये तमाम नारी का रूप होती हैं यदि आपने नहीं किया इनका सम्मान यदि नहीं किया आपने देखभाल तो आपको दंड देने के लिए फिर महिषासुर आती है फिर वुहान से वायरस आता है फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है केमिकल वॉरफेयर होता है वातावरण प्रदूषित हो रहा है कल्पना हो जाती है तो यह भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और यह हमें अपनी तरुण पीढ़ी को बताना पड़ेगा नॉलेज इज द पावर ओनली द पावरफुल हैव द राइट टू सरवाइव विद पावर एंड ओनली पावर कैन गेट यू पावर इट इज नॉट द आर्म पावर इट इज नॉट द पावर ऑफ वेपन इट इज योर एबिलिटी योर कैरेक्टर योर पर्सनैलिटी योर स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड विच मेक्स यू पावरफुल क्या आज कोई राष्ट्र ऐसा है विश्व में जो चीन को पावरफुल बोलता है लोग बोलते हैं चीन की सेना बड़ी है लेकिन क्या वो चीन की सेना पावरफुल है आज तक चीन ने कोई युद्ध जीता है भारत पर जो आक्रमण किया वो तो दूसरी बात थी वो तो उन्होंने कपट किया है चुराव होगा हमारे ऊपर हमारे विश्वास पर आघात किया है हमारे प्रधानमंत्री जी दो बार चीन गए हैं अनेक बार चीन गए हैं वहाँ के राष्ट्रपति को बुलाया है अतिथि देवो भवा की कल्पना की उन्होंने और उसी राष्ट्रपति ने उसी राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के पीठ पर छुरा घूस दिया गलवान में जो हुआ है लद्दाख में जो हुआ है उसने विश्वासघात किया है इस वास्तविकता को हम भूल सकते हैं लोग कुछ भी बोले कि नहीं हमारा चीन हमारा मित्र बनेगा आने वाले समय में हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे कैसे हो गया 1947 से आज तक जिस बात का पता नहीं लगा है वो आने वाले समय में कैसी होगी हमारे यहाँ लोग बोलते हैं पाकिस्तान की मानसिकता बदली होगी जिस राष्ट्र ने आपको बर्बाद करने पर तदा कर दिया है उसकी मानसिकता बदलेगी कैसी यह बात हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में ध्यान में रखना पड़ेगी रम्यंतु तत्र देवता यत्र पूजन ते नारी जिस घर में माताएं हमारी सुरक्षित नहीं हैं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं हमारी बहुएं सुरक्षित नहीं हैं हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं उस समाज का क्या हाल होता है सवेरे करेंगे हाय शाम को बोला बाय खत्म हो गई बात ये मानसिकता आती कहाँ से है इसे तैयार कौन करता है इसे जायज़ कौन बनाता है इस पर हमें विचार करना पड़ेगा आखिरी दो बातें जो हैं जो आज से निवेदन करता हूं और ये तमाम बातों का संबंध राष्ट्रीय संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं हो शायद लोगों की बात होती है जनरल साहब बात कर रहे हैं युद्ध कैसे होता है इसके बारे में व्याख्यान देंगे युद्ध वही होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पानी के कारण युद्ध हो रहे हैं जल के कारण युद्ध हो रहे हैं क्लाइमेट के कारण युद्ध हो रहे हैं अनाज के कारण युद्ध हो रहे हैं पेट्रोलियम के कारण युद्ध हो रहे हैं शक्ति के कारण अग्नि के कारण युद्ध का कारण बन रहे हैं तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा क्यों करके रखा है क्योंकि चीन में जो पानी की नदियाँ बहती हैं उनका उद्गम स्थान तिब्बत से है और वहाँ से निकलने वाली नदियाँ पूर्व एशिया में ईस्ट एशिया में भी पहनती हैं सात राष्ट्रों को पानी की सप्लाई करती हैं वो नदियाँ और इसलिए चीन को ये डर लगता है कि यदि तिब्बत उनके हाथ से निकल जाएगा तो पानी का उद्गम स्थान उनके हाथ से निकल जाएगा कश्मीर में पंजाब में जो नदियाँ निकलती हैं सिंधु नदी रावी सतलज झेलम, ये तमाम नदियाँ जो हैं ये लद्दाख के क्षेत्र से चीन से ही निकलती हैं और इसीलिए लिए सिंधस नदी जो है वो पाकिस्तान से पीओके से निकलती है सिंधु नदी और फिर ये पंजाब यस पाकिस्तान जो है कृषि प्रधान देश है उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि भारत ने नदियों का बहाव बदली कर दिया तो पाकिस्तान जो है वो रेगिस्तान हो जाएगा और इसी कारण से उन्होंने आक्रमण करके रखा है कश्मीर पर कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि पानी का सूत्र है तो पानी के कारण भी युद्धात्मक स्थितियां बनी हुई हैं बनेंगी आने वाले 25 वर्ष में विश्व में 28 देश ऐसे हैं जहां पानी के कारण युद्ध होगा पानी के कारण आने वाले काल में इक्कीस देश ऐसे हैं अगले पच्चीस साल में जहाँ के कई टापू जो हैं वो पानी में चले जाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ रहने के लिए वो पड़ोसी देशों में ही आएंगे और ये तमाम बातें जो हैं हमें संरक्षण और सुरक्षा के बारे में देखना पड़ता है ध्यान रखना पड़ेगा हमें सोचना पड़ेगा यदि हमने नहीं सोचा तो आने वाली पीढ़ियों के साथ हम अन्याय करेंगे और यही अन्याय ना होने के लिए विवेकानंद केंद्र के जो माध्यम होता है पढ़ाई का शिक्षण का आचरण का उसके माध्यम से लोग अच्छे विद्यार्थी अच्छे परीक्षार्थी अच्छे लाभार्थी अच्छे नागरिक बन रहे हैं वहाँ पर उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है यह हमें ध्यान देना पड़ेगा आप जाइए हमारे भारतीय संस्कृति में है जब हम किसी बड़े से का कर नमस्कार करते हैं आदर करते हैं तो बोलते हैं आयुष्मान भवो आपकी लंबी उम्र हो कीर्तिवान भवो उन्नति हो विद्यावान भवो गुणवान भवो संपदावान भव यह हम आशीर्वाद देते हैं इसीलिए हम नमस्कार करते हैं ईश्वर को अपने से बड़ों को अपने गुरु जी को परंतु दिल्ली में जो लोग चरण छूते हैं उनका अर्थ होता है मुझे टिकट दे दीजिए मुझे मंत्री बना दीजिए मुझे और फलानी जगह जगह चेयरमैन बना दीजिए तो ये चरण पी के वो भीख मांगते रहते हैं अपने और इसीलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि चरण छू के ये चरण छू के ये आचरण बेच देंगे मान बेच देंगे सम्मान बेच देंगे मान तो खुद का रखते नहीं है दूसरे को मान देते नहीं है और सम्मान भी देना उन्होंने बंद कर दिया है आए दिन गालियों पर आप टेलीविजन पर देखिए आप वर्तमान पत्रों में देखिए व्याख्यानों में देखिए किस भाषा का प्रयोग हो रहा है कैसे लोगों को आरोप लगाए जा रहे हैं कि चरण छू के ये ये वही व्यक्ति है जो आपका पैर पढ़ के बोलते मुझे आप टिकट दे दीजिए उस इलेक्शन में मुझे आप फलाना बना दीजिए मुझे फलाना मंत्री पद दे दीजिए आप चरण छू के ये आज रण बेच देंगे मान बेच देंगे सम्मान बेच देंगे धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे धरा यानी क्या पृथ्वी कोयले का जो कांड हुआ था इतना बड़ा कोयला निकलता कहाँ से खदान से ही निकलता है खदानें पृथ्वी में ही होती है और इतना बड़ा कोयला कांड हुआ है अनेकों कांड हुए हैं गगन जो 2G स्पेक्ट्रम जो मोबाइल फोन नेट इंटरनेट सब चलते हैं तो उस स्पेक्ट्रम के आधार पर ही तो चलते हैं मेरी बात जो आ रही है फ्रीक्वेंसी वो स्पेस के माध्यम से आ रही है तो धरा बेच देंगे और इन्होंने बेचा हुआ है करोड़ों रुपए कमा लिए हैं जेल में भी रह के आए हैं और अब ये आक्षेप लगाते हैं वर्तमान शासन पर धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे कली बेच देंगे चमन बेच देंगे कली अन्य भारत की इज्जत हमारी माता बहनों की इज्जत है उसको दांव पर लगा देते हैं लोग कश्मीर को हम चमन बोलते थे जन्नत बोलते थे उसको पाकिस्तान के हाथ में किसने दिया आतंकवाद के हाथ में किसने दिया ये अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला उनके पिताजी उनका बेटा ये सब सब ने मिल कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले सौंप दिया और फिर थ्री सेवेंटी की बात करेंगे हमें आज़ादी चाहिए हमें ये चाहिए वो चाहिए और फिर बच्चों को सिखाते हैं कि यदि आपने आतंकवादी बनके अपने प्राण दे दिए तो आप जन्नत में जाएंगे इसलिए आतंकवादी बनाते हैं जिहाद करिए आप आतंकवादी बनेंगे और मेरी ऐसी मान्यता है मान्यता है कि ना तो सैयद ही जाएगा ना तो सेमोली ही जाएगा ना सुलेमान जाएगा अगर कोई जाएगा जन्नत में तो बस इंसान जाएगा और इसलिए ऐसी मान्यता है इंसान बनो अच्छा इंसान बनो और यही कार्य जो है यही जवाबदारी जो है विवेकानंद केंद्रीय के माँच अच्छे नागरिक बनाइए और इसलिए फिर से वो बात आती है कि चरण छू के ये आचरण बेच देंगे मान बेच देंगे सम्मान बेच देंगे धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे कली बेच देंगे चमन बेच देंगे और इसीलिए मेरी आपसे विनती है बुद्धि के पुजारी विवेक के पुजारी कलम के पुजारी न्याय के पुजारी अगर सो गए तुम तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे फिर कोई कवच उस वतन की रक्षा नहीं कर पाएगा और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन पर आप ध्यान रखिए अंतिम बात जो है मैंने जिस राष्ट्र की बात की राष्ट्रीयता की बात की स्वामी जी की बात की उन्होंने कहा आई कैन सी इंडिया राइजिंग मैं भारत का उत्थान देख रहा हूं उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भारत को जागृत होते हुए देख रहा हूं भारत की जागरूकता तो पूरे विश्व में है भारत का सोता हुआ राष्ट्र नहीं है हमें जानबूझ करके दबा करके रखा था और इसीलिए जो मेरा निवेदन आपसे है अंतिम जो है कि है हमें अगर प्यार तो इस भारत से हमें प्यार है हमें प्रेम है हमें श्रद्धा है हमारी आस्था है है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं रहूँ कर रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आते हैं लोग जाते हैं है हमें अगर प्यार तो ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए शत्रु से कह दो जरा शत्रु चाहे बाह्य शत्रु हो या आंतरिक शत्रु हो अभ्यंतर शत्रु हो शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले ये मेरा भारत हमर है ये सत्य सहना सीख ले और इसीलिये, इसीलिये, जो स्वामी जी ने कहा था जो वीर ने कहा था राष्ट्र की इस शक्ति को हमने मंगलयान भेजा हमने सैटेलाइट भेजे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा राष्ट्र की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए भारत ये रहना चाहिए भारत ये रहना चाहिए भारत तभी रहेगा जब भारतीयता रहेगी स्वावलंबी भारत होगा आत्मनिर्भर भारत होगा सम्माननीय भारत होगा शिक्षण पूर्ण भारत होगा और यही कार्य जो है हमारे विवेकानंद केंद्रों के माध्यम से हो रहा है एक बार फिर मैं आपको अभिनंदन करता हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सुखद भविष्य की हमारे आने वाली संतियों की हमारे आने वाली पीढ़ियों की जो है उनका भविष्य सुखमय हो यही मेरी प्रार्थना है यही मेरा विश्वास है और तभी यही भारत रहेगा जय हिंद जय भारत